everyone, welcome to your English class. How are you all? Today we are starting with new topic from your book Literary Journeys and English Reader Primer Book by Brainroot Series. So aaj hamare topic ka naam hai use of this or that. Chaliye, आपको ध्यान रखना है हम दिस कब यूज़ करते हैं. हमारे पास दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, दिस और दूसरा है डैट. तो आपको ध्यान रखना है कि हम दिस यूज़ करते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जो हमारे पास है. ठीक है, हम दिस कब यूज़ करते हैं एक ऐसी चीज़ के लिए जो हमारे नियर है, हमारे से बहुत दूर नहीं है, हमारे पास है. This is used for a nearby thing. जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम this use करते हैं. जैसे this is my pen, क्योंकि ये pen मेरे पास है. That is used for a thing which is far away. जो चीज़ हमसे दूर है, हमसे far away है, मतलब हमसे बहुत दूर है, उसके लिए हम क्या use करते हैं बताइए सब. Very good. उसके लिए हम that use करते हैं. तो अब आप देख सकते हैं ये hand के पास क्या है. This is a cat. ये cat पास में है. That is the sun. जब हम किसी चीज़ को point करते हुए बोलते हैं that means वो हमसे दूर है ना, तो that is the sun, क्योंकि ये sun point से दूर है. This is a peacock. ये peacock hand के पास है, इसलिए हम उसे प्यार से इस तरीके से point कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, This is a peacock. That is a kite. जब हम किसी दूर की चीज़ को point out करते हैं तो क्या आता है, That आता है. That is a kite. This is a lion. That is a tree. This is a chair. That is a hut. Now we have to practice this and that. This is a parrot. क्यों, क्योंकि ये parrot पास में है, तो हम यहाँ लिख देंगे this. नेक्स्ट देखिए, डैश इज द मून. ये मून दूर है, तो हम लिखेंगे डैट. दिस इज एन एलिफेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस आएगा. ठीक है, नेक्स्ट डैट इज अ स्टार, क्योंकि ये स्टार दूर है, हम इसे पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो ये दूर है. कोई भी चीज़ पास होगी तो दिस, दूर होगी तो डैट. नाउ डैश इज अ कार, इसके लिए भी हम लिखेंगे दिस, क्योंकि ये पास में है. डैट इज अ हिल, क्यों आया डैट बच्चों बताइए, क्योंकि ये पॉइंट हो रहा है और ये दूर है. दिस इज अ कप, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, डैश इज अ टेबल, डैट इज अ टेबल. देखो ये टेबल दूर है ना, इसे पॉइंट आउट किया जा रहा है. ठीक है, समझ आया सबको. दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. Till then, goodbye and take care.